दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खत्म हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के बाद ये पता चल चुका है कि कौन कौन से प्लेयर्स को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अवार्ड सेरेमनी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अवार्ड सेरेमनी का पूरा हाईलाइट देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करके हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना है और वहां पे आप अवार्ड सेरेमनी का कंप्लीट हाईलाइट देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा रन और इसके साथ ही यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले बता दे कि फाइनल मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करते हुए 240 रन बनाए और ये मैच अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आइए जानते हैं वन बाय वन सभी अवार्ड के बारे में। तो सबसे ज्यादा शतक यानी कि मोस्ट 100 का अवार्ड क्विंटन डिकॉक को दिया गया, जहां पे क्विंटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप 2023 में सबसे अधिक 4 शतक जड़े, तो इस वजह से इनको मोस्ट 100 का अवार्ड दिया गया। और इसके बाद मोस्ट 50 के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा अर्धशतक भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने लगाया, जहां पे विराट कोहली ने टोटल 6 अर्धशतक मारे। और हम आपको बताते चले कि इसमें फाइनल मैच में उनके द्वारा खेला गया 54 रनों का बहुत इंपॉर्टेंट पारी भी इंक्लूड है। और इसके बाद तीसरा अवार्ड था बेस्ट इकोनॉमी का, तो सबसे बेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड कप में था जसप्रीत बुमराह का, इन्होंने काफी ओवर्स किए तो इस वजह से बुमराह ने यहां पे सबसे बेस्ट इकोनॉमी को मेंटेन किया। इसके बाद अगला अवार्ड जाता है मोस्ट 5 विकेट्स हॉल का, यानी कि एक इनिंग में 5 विकेट के हॉल के बारे में बताएं। तो मोहम्मद शमी ने ऐसा कारनामा इस वर्ल्ड कप में टोटल 3 बार किया, तो इनको मोस्ट 5 विकेट्स हॉल का अवार्ड दिया गया। इसके बाद मोस्ट फोर्स के बारे में बात करें, यानी कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके कौन से प्लेयर ने लगाए, तो वो है विराट कोहली, जहां पे विराट कोहली ने टोटल 68 चौके मारे, तो मोस्ट बाउंड्री का अवार्ड यानी कि मोस्ट फोर्स का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया। इसके बाद मोस्ट बाउंड्रीज के बारे में बात करें, यानी कि किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाए, तो रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा चौके छक्के यानी कि 95 चौके और छक्के लगाए, तो मोस्ट बाउंड्रीज का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया। इसके बाद मोस्ट सिक्सेज के बारे में बात करें, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा छक्का किसने लगाए, तो सबसे ज्यादा छक्का रोहित शर्मा ने 29 छक्के मारे, तो यहाँ पे मोस्ट सिक्स का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया। और इसके बाद हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर के बारे में बात करें, तो ये रिकॉर्ड रहा ग्लेन मैक्सवेल के नाम, जहां पे ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक इनिंग में सर्वाधिक 201 रन बनाए थे, तो इस साल एक इनिंग में बनाया गया ये सबसे हाईएस्ट स्कोर था। इसके बाद अगला अवार्ड जाता है बेस्ट बॉलिंग फिगर का, तो बेस्ट बॉलिंग फिगर मोहम्मद शमी का था, जहां पे शमी ने सेमीफाइनल में 9.5 ओवर में 57 रन देकर के 7 विकेट चटकाए थे, तो इस वर्ल्ड कप का ये बेस्ट बॉलिंग फिगर था। इसके बाद अगला अवार्ड है बैटिंग एवरेज का, तो बेस्ट बैटिंग एवरेज विराट कोहली का था, जहां पे मिनिमम 400 से ऊपर रन जिन बल्लेबाजों ने बनाए उसमें कोहली का एवरेज सबसे ज्यादा 95.63 का था, तो विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में सबसे बढ़िया एवरेज से बल्लेबाजी किए। इसके बाद अगला अवार्ड जाता है मोस्ट रन का, तो मोस्ट रन का अवार्ड भी विराट कोहली को दिया गया, जहां पे विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा 765 रन बनाए, जहां पे सेमीफाइनल में शतक और वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक शामिल था। तो विराट कोहली वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक रन बना चुके हैं, और हम आपको बताते चले कि किसी एक बल्लेबाज द्वारा एक वर्ल्ड कप में बनाया गया यह सर्वाधिक रन था। इससे पहले सचिन के नाम यहां पे 673 रनों का रिकॉर्ड था। इसके बाद अगला अवार्ड था बेस्ट स्ट्राइक रेट का, तो यहां पे रोहित शर्मा का बेस्ट स्ट्राइक रेट था पूरे वर्ल्ड कप में, जिन बल्लेबाजों ने 400 से ऊपर रन बनाए तो इसमें रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया था। इसके बाद मोस्ट विकेट्स के बारे में बात करें, तो ये अवार्ड दिया गया मोहम्मद शमी को, जहां पे शमी ने 7 मैचों में 24 से ज्यादा विकेट लिए, तो मोहम्मद शमी को मोस्ट विकेट्स का अवार्ड दिया गया। इसके बाद अगला अवार्ड है फास्टेस्ट 100 का, तो फास्टेस्ट 100 ग्लेन मैक्सवेल के नाम रहा,
जहां पे ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों पर 106 रनों की आतिशी पारी खेली थी। तो इस वर्ल्ड कप का ये सबसे तेज शतक था, तो ये अवार्ड ग्लेन मैक्सवेल को यहां पे दिया गया। इसके बाद अगला अवार्ड आता है बिगेस्ट सिक्स का, यानी कि सबसे लंबा छक्का किस प्लेयर ने लगाया। तो ये रिकॉर्ड था डेरियल मिचेल के नाम, जिन्होंने 107 मीटर का छक्का लगाया। हालांकि श्रेयस अय्यर ने भी 106 मीटर का लगाया था, लेकिन मिचेल ने 107 मीटर का लगा करके इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद अगला अवार्ड था फास्टेस्ट बॉल का, तो इस वर्ल्ड कप में सबसे तेज गेंद मार्क वुड ने डाला था, जहां पे मार्क वुड ने 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वर्ल्ड कप में सबसे तेज गेंद किया। तो मार्क वुड के नाम ये रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप का यहां पे सम्मिट हो गया। इसके बाद अगला अवार्ड जाता है मोस्ट मेडन ओवर का, तो मोस्ट मेडन ओवर यहां पे जॉस हेजलवुड और बुमराह के नाम है, जहां पे दोनों प्लेयर्स ने 8-8 मेडन ओवर डाले। तो यहां पे हेजलवुड 8 मेडन ओवर डाल करके इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक मेडन डालने वाले बॉलर बन गए। वहीं अगला अवार्ड जाता है फास्टेस्ट 50 का, तो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड कुशल परेरा, जो कि श्रीलंकाई प्लेयर उनके नाम है, जहां पे इन्होंने सिर्फ 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। तो ये था वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड, और जो भी अवार्ड रिमेनिंग रह गया है, यानी कि जैसे रनर अप को कितना पैसा मिला, इसके साथ ही विनर को कितना पैसा मिला, और इसके साथ ही बेस्ट कैच किसको दिया गया, तो ये सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप फटाफट से टेलीग्राम पे जाकर के अवार्ड सेरेमनी का कंप्लीट हाईलाइट और प्राइज मनी को वॉच आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।